लेक्चर नंबर 15 हमारे पास, जिसमें हम देखेंगे एवेल्यूएटिंग अ नंबर गेम और कुछ टॉपिक्स और इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने वीएस कोड एडिटर के अंदर। हमने नंबर गेसिंग गेम भी ये बनाया हुआ है लाइव सेशन के अंदर, जो आपकी वीडियो बनाई थी। अब ये जो है टाइप 3 बिगिनर में आ रहा है, तो देख लेते हैं एवेल्यूएटिंग अ नंबर गेम। तो लेट लूंगा मैं सबसे पहले, तो मैंने एक फाइल बनाई हुई है app.ts के नाम से, और यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लेट में मैंने गैस के अंदर स्टोर करा रहा हूँ मैं नंबर, और नंबर जो होगा वो मेरा होगा 7। नंबर इज इक्वल टू 7, या कोई भी ले सकते हैं एक्सपायर दैट नंबर, यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं। और लेट टारगेट लूंगा मैं अपने पास, टारगेट क्या होने वाला है मेरा, टारगेट जो होगा मेरे पास, टारगेट के अंदर मैं अपना नंबर सेट करूँगा, वो होगा मेरा 5 या 4 ले सकते हैं, तो मैं 4 ले लेता हूँ। चलिए 5 ही ले लेते हैं, कन्फ्यूज ना हो ताकि आप लोग। और इफ चेंज की, इफ एल्स चेंज आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसी की मदद से हम काम करने वाले हैं। तो इफ के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर रखने वाले हैं गैस, हम एक कंडीशन डाल ले इसके अंदर। कंडीशन क्या होगी कि कंडीशन में मैं कह रहा हूँ गैस जो है अगर छोटा हो टारगेट से, गैस इज लेस देन टारगेट। अब ये क्या है इसको भी मैं थोड़ी सी डिटेल में बता दूंगा, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप ये प्रिंट करा देना, क्या प्रिंट करा देना, मतलब आप लोगों के पास ये प्रिंट होके आएगा अगर गैस जो है छोटा होगा टारगेट से। console.conf में मैं अपना एक मैसेज प्रिंट करा देते, हम अपना मैसेज, हमारा मैसेज जो होगा वो ये होगा कि योर गैस इज टू लो, यानी बहुत ज्यादा कम नंबर, योर गैस इज टू लो। सेमी कॉलन इसमें दे सकते हैं हम लास्ट में, और दे देना चाहिए सेमी कॉलन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है एल्स और इफ। याद है अगर हमारे पास 3 कंडीशन रखनी हो तो पहले पे आती है इफ, दूसरे पे आती है एल्स इफ, और तीसरे पे हम डाल देते हैं अपनी एल्स। तो मैं लूँगा एल्स और इफ को एक साथ, और पैरेंथेसिस में मैं फिर दोबारा से कंडीशन डालूंगा। पहले मेरी जो कंडीशन थी वो थी कि गैस जो है छोटा हो जाए टारगेट से, गैस क्या हो जाए लेस देन टारगेट, यानी कि 7 जो है जैसे कि छोटा हो जाए, अगर कोई हमारे पास डाल रहा है टारगेट से छोटा देता है, यानी 5 नंबर दे से भी छोटा दे रहा है, ठीक है, उसने गैस किया है और नंबर उसने 3 या 2 डाल दिए, तो ये जो है वो बोलेगा ये और नंबर इज टू लो। और इसी तरीके से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या हो, ऐसी कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना भाई, क्या आपने छोटी की तो कोई, और अगर गैस जो है ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में हम लिख देंगे टारगेट, ग्रेटर देन की साइन लगा देंगे। पहले हमने लो लेस देन की, और याद वो ऑपरेटर पढ़े थे लेस देन, अब मैंने लगा दी ग्रेटर देन। नाउ वी यूज कर्ली ब्रेसेस, console.log की मदद से अब हम दोबारा से अपना एक और मैसेज प्रिंट करवाने वाले हैं। वो मैसेज क्या होगा, जैसे कि योर इज योर गैस इज टू लो था, आप इसी को मैं कॉपी कर दूंगा और कहूँगा अब इस टू लो की जगह हम कर देंगे इस टू हाई, ठीक है, इसको हम चेंज करा दिया और ये हो गया इस टू हाई। अब मेरे पास मैंने बोला था पहले इफ आ जाएगा, इफ को बना लिया, फिर एल्स इफ आ जाएगा, और अगर तीसरी कंडीशन भी हमारे पास अगर कोई है तो उसके लिए हम यूज कराएंगे एल्स, ठीक है। याद हो गई, हम पढ़ चुके हैं अपने पास जब हम पढ़ रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट, console.log से हम प्रिंट ले लेंगे, फिर दोबारा से मैसेज योर गेस्ट यू गैस करेक्टली लिख देता हूं मैं, यू गैस करेक्टली। तो ये हमारा प्रोग्राम सिंपल सा था जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा प्रोग्राम था वो अब जो है बहुत आसान था, आसानी से हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि याद होगा इफ एल्स स्टेटमेंट ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं और कंडीशन भी बनाई है हमने ऑपरेटर की। सबसे पहले हमने लेट बोला, लेट में एक नंबर सेव करा दिया 7, और टारगेट में मैंने 5 बोल दिया, और फिर मैंने बोला अगर जो है गैस जो है छोटा हो टारगेट से, यानी गैस का जो नंबर है जो छोटा हो टारगेट से। चलिए इसको प्रिंट भी करा के आपको दिखा देते ताकि
को टर्मिनल मैंने खोला हुआ है ऑलरेडी, और आई थिंक टर्मिनल खोलने की वजह से मुझे लगता है ये साइज भी आपको सूटेबल नहीं होगा, तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया आपको, जिन लोगों को नज़र नहीं आ रहा हो तो उनको नज़र आ सके। टी एस सी से मैं कंपाइल करता हूँ, और नोट ऐप डॉट जी एस से मैं अपना रिजल्ट ले लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट दे रहा है हमारे पास नोट ऐप डॉट जी एस। योर गैस इज टू हाई दे रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमने जो है अपना नंबर 7 लिया जबकि टारगेट हमारा 5 है। अगर मैं यहाँ पे 6 लूँगा तो भी हाई लगेगा, यानी मेरा जो 5 पे ये करेक्ट होगा, और अगर 5 से छोटा होगा तो ये लो नंबर हुआ, यानी कि इसमें जो मैंने राइट ऑप्शन रखा है ना, ये राइट ऑप्शन जिसे कहते हैं हम, वो टारगेट रखा है, वो टारगेट मेरा है 5। इसको मैं चेंज करा सकता हूँ, इसको मैं 3-2 भी करा सकता हूँ, ये हमारे हाथ में है। तो एक जो बचपन में जिस तरीके से करते थे कि आपने एक नंबर सोचो, उस टाइप का ही ये गेम है कि क्या आपने सही नंबर करे सेलेक्ट किया या नहीं किया। तो 5 से, यदि 5 से छोटा होगा तो 2 लो वाली कंडीशन रद्द होगी, और 5 से ज़्यादा बड़ी होगी तो 2 हाई देगा, और अगर 5 ही लिख दे, 5 ही होगा यानी कि गैस नंबर पे यहाँ पर 5 ही होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनपुट नहीं लिया हुआ, आपने देखा होगा ये डायरेक्ट दे रहा है, यहाँ पे मैंने लेट के अंदर ही रबर स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन लाइफ सेक्शन में मैंने इसको इनपुट का भी सिखाया हुआ है, आपने सीखा भी होगा ऑफिशियल इनपुट ऑनलाइन में भी, और जो मैंने सिखाया उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें जो है इनपुट दे रहा था, यानी हम खुद से नंबर टाइप कर रहे थे, वो खुद से नंबर टाइप करते का फिर तरीका इंक्वायर का है, वो थोड़ा सा अलग मेथड हो जाता है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट गेम जो है हमारे पास है वो है फ्रेंड चेकर गेम। अब ये क्या है फ्रेंड चेकर गेम, ये एक नया गेम है, वो वाला गेम खत्म हो गया। फ्रेंड चेकर गेम, गेम से ये आसानी हो जाती है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है समझने में आसानी हो रही होती है, वरना हम वेरिएबल्स पढ़ रहे होते हैं, एल्स एल्स और दूसरी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज हो रहा होता है। इसी वजह से आपको गेम के तौर पे सिखाया जाता है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है समझने में आसानी रहे। तो अ गेम टू चेक समवन इज़ अ फ्रेंड बेस्ड ऑन योर नेम, ठीक है। अगर कोई है फ्रेंड है, उसका जो है नाम क्या है, मिसाल के तौर पे हम, अब मैं एक और फाइल बना लेता हूँ इसी के अंदर, या तो इसको मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको कमेंट कर दूँ या मैं एक और फाइल बना लूँ। ऐसा करते एक और फाइल बना लेते, ऐप डॉट टी एस तो बना है वही है, इंडेक्स डॉट जे एस में बना लेता हूँ, कमेंट करके भी काम कर सकते हैं जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है, या तो एक नई फाइल बना दे सकते हैं, फाइल का नाम चेंज होगा, इंडेक्स डॉट जी सॉरी इंडेक्स डॉट टी एस मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा है। अब मैं एक प्रोग्राम बनाने जाने वाला हूँ, इसमें मैं लूंगा लेट इस एफ आर आई एन डी फ्रेंड कॉलन ऑफ, आपको पता है नाम जो होता है वो स्ट्रिंग होती है, तो हमने बता दिया, मेंशन कर दिया, डेटा टाइप रिस्ट्रिक्ट कर दी, और यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम वगैरह लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब नेक्स्ट क्या करूँगा मैं जो है इफ का इस्तेमाल करते हुए पैरेंथेसिस लगाएंगे, और मैं इस फ्रेंड जो है दोबारा से लूँगा, और मैं कंडीशन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑपरेटर लगाऊँगा, ट्रिपल इक्वल टू का ऑपरेटर, या पिछले प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ चुके, ठीक है, जो मैंने ऊपर नाम स्टोर कराया, जो हमने यहाँ पे नाम स्टोर कराया होगा, जो अपना नाम रखा होगा वही आपको नाम नीचे भी रखना होगा, सही है, मैं आपको रिमेम्बर करा दूँ। उसके बाद आपको ये साइन लेनी होगी, और फिर जो है इस फ्रेंड दोबारा से आ जाएगा, और अब जो है आपके दूसरे फ्रेंड का नाम आ जाएगा, दूसरा फ्रेंड जो भी होगा आपका, उसका आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब नाम हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर अब हम प्रिंट लेंगे, यानी कि वो प्रिंट लेंगे जो अपना मैसेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग की मदद से मैं प्रिंट ले लूँगा, और मैं जो है अपने पास चाहता हूँ कि ये वाला मैसेज प्रिंट होके नज़र आए, तो इसके लिए मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा। बैकटिक अब तक आपको पता ही चुकी होगी, जब तक जब भी मैं बैकटिक बोलूँ तो आप सिंगल कोट नहीं लगाइएगा, अभी भी कुछ स्टूडेंट मुझे
व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज रहे होते हैं ग्रुप के अंदर और पर्सनली भी, बोल रहे होते ये एरर आ रहा होता है, तो उन्होंने सिंगल कोड यूज़ किया हुआ होता है, फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई ये सिंगल कोड अलग है, सिंगल कोड की साइन जो है ये है, ठीक है ये बिल्कुल लंबी है, और बैक टिक की जो साइन है वो थोड़ी सी क्रॉस ये तिरछी सी है, जैसे कि हमारे पास बैक स्लैश होता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा बैक स्लैश कह सकते हैं इसको। तो बैक टिक की साइन लगाने के बाद हम लेंगे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस लेते जब भी बैक टिक लगाते हैं, और जिसको भी रिकॉल कराना होता है ऊपर वाला जो भी होता है, हम उसको रिकॉल कराना होता है मेन मकसद, तो ऊपर वाले में हमारे पास है इस फ्रेंड, तो मुझे इसको रिकॉल कराना है, यानी इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया इस फ्रेंड। तो एक मैसेज मुझे लगाना था तो मैंने लगा दिया इस योर फ्रेंड, तो मैंने बता दिया ये है हमारा फ्रेंड, ये दोस्त है। इसी के साथ नेक्स्ट जो करा हमने वो ये कर देंगे कि हम जो है, अच्छा सॉरी, मैंने जो है मैसेज इस फ्रेंड लिख दिया था और मुझे कर्ली ब्रेसेस से बाहर नहीं आया, इस योर फ्रेंड लिखना था, इस योर फ्रेंड। तो अब ठीक है, तो ये अब तो कुछ बेहतर है। अब एक और कंडीशन बना लेंगे, वो होगी हमारी पहली कंडीशन इफ की होती है, और अगर सिर्फ दो कंडीशन हो तो हम हमेशा इफ और एल्स यूज करते हैं, फिर एल्स इफ यूज नहीं करते। एल्स और इफ जब यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा कंडीशन हो, तो फिर एल्स और इफ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर दो कंडीशन है तो हम हमेशा एक पहली कंडीशन को इफ कह देते और पहली कंडीशन रन ना हो, और अगर हमारी दूसरी कंडीशन रन हो तो फिर हम एल्स यूज करते थे। तो रूल को फॉलो करते हुए हम एल्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन ही रखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे अपने पास, और एल्स में हम डायरेक्ट लेते हैं, कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाते, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आउटपुट हम देना चाहते हैं वो, सॉरी जो लेना चाहते हैं वो उसका उसकी वर्किंग कर देते। तो मैं उसकी वर्किंग कर देता हूँ, बैकटिक इसमें भी मैं यूज़ करूँगा और वही पुराना काम करूँगा जो मैंने ऊपर किया था, डॉलर और फिर डॉलर के साथ जो है कर्ली ब्रेसेस, तो हम वही लेंगे डॉलर की साइन, और डॉलर की साइन के साथ हमें लेना होगा कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम दोबारा से इस फ्रेंड को रिकॉल कराएंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर मैंने सिर्फ लेट के अंदर इस फ्रेंड ही लिखा है, इसके अलावा कुछ और लिखा भी नहीं है। तो एक ही कंडीशन पे जब काम हो रहा है तो मैं लेट के अंदर कुछ और स्टोर कराने की जरूरत नहीं थी, तो सिर्फ इसी के अंदर मैं मैसेज प्रिंट करा दूंगा इस, अब मैंने लिखा था इस योर फ्रेंड, तो दोबारा से वही मिस्टेक कर रहे, कर्ली ब्रेसेस से बाहर नहीं आ रहे हम, इस नॉट योर फ्रेंड। तो ये कंडीशन हमारी जो है कंप्लीट हो गई है, तो उसको अब जो है आउटपुट ले लेंगे। काम तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पहले लिए हमने लेट के अंदर हमें स्टोर कराना था, तो स्टोर के लिए मैंने इस फ्रेंड यूज़ करा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इस फ्रेंड यूज़ करें, और मैंने मैंशन कर दिया अपनी डेटा टाइप स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने एक नाम दे दिया, तो मैंने बोला इस फ्रेंड अगर बराबर हो जाए बाबर के, ठीक है एक कंडीशन, और इस फ्रेंड बराबर हो जाए दानियल के, बाबर के बराबर हो जाए तो ये प्रिंट करा दो, अगर उसके दूसरे बराबर के नाम के बराबर हो जाए तो ये कंडीशन प्रिंट करा दो। तो ये वर्क कैसे कर रही है, तो इसके लिए हम जो है कंपाइल करा देता हूँ सबसे पहले मैं। तो मैंने ये फाइल बनाई थी TSC, और मैं फाइल का नाम दूंगा क्योंकि मेरे पास दो फाइलें हो गई है अलग अलग, तो TSCIndex.txt से मैं कंपाइल करा दूंगा, वरना मेरी पहली फाइल को ये शायद app.ts को ही करा देगा, क्योंकि दो फाइलें हैं, इसलिए मैं फाइल का नाम लिखवा रहा हूँ TSCIndex.ts और नोट index.js, तो इसलिए प्रिंट करा दिया बाबर इज योर फ्रेंड। तो पहली कंडीशन जो इसलिए फिल करा तो कर दी है, अब इससे पहली कंडीशन किस रूल के तहत प्रिंट कराई है इसको भी हम समझ लेंगे कि क्या कंडीशन थी किसने पहले ही कंडीशन को अपने पास प्रिंट कराया, ठीक है। तो ये काम तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो क्योंकि मैंने जो फर्स्ट में बाबर लिखा होता था, इसके अलावा हमारे पास ये नाम अलग मेरे पास अलग हो, मान लीजिए लेट के अंदर तो अब बाबर रहेगा, लेकिन सॉरी इस फ्रेंड के अंदर बाबर रखता हूँ मैं, याली कंडीशन के अंदर मैं हमजा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया हमजा, अब मैं इसको कंपाइल कराऊंगा TSC, यानी इसने पहले जो क्या करा,
जो पहली कंडीशन हो गई कि यहाँ पे भी बाबर था और यहाँ पे भी बाबर था, तो इसलिए लिया ला मैसेज कराया बाबर इज योर फ्रेंड, तो इसलिए लिया बाबर इज योर फ्रेंड, ये हमेशा पहली कंडीशन को रन कराएगा। अब दूसरी कंडीशन अगर रन करानी है तो मैंने दो कंडीशन दी थी, बाबर हो या दादियाल हो तो इज योर फ्रेंड है, और अगर ये दो ना हो तो फिर ये आना मैसेज प्रिंट करेंगे, यानी ये दो नाम हो तो इस योर फ्रेंड देगा, मैंने बाबर लिखा था, अगर दानियल भी लिखवा था तो दानियल में भी ये आता, लेकिन अब मैं हमजा ले रहा हूँ, हमजा मैंने अपनी कंडीशन में फिल नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बाबर नाम दिया हुआ है और दानियल लिया हुआ। अब देखते हैं अगर हमजा लिखे लेट के अंदर तो फिर ये क्या देता है, तो वही टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस से हमने कंपाइल करा दिया, और जो है नोट इंडेक्स डॉट जी एस से हमने रिजल्ट ले लिया। क्या मिस्टेक्स किए, टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस सी लिखा था ना, तो ये पूरा मनाने का तरीका था, बस समझाने वाली बात ये थी कि कंडीशन पे ये फुलफिल होता है तो फिर ये प्रिंट करा रहा होता है, और पहली वाली बात, और अगर कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो होती, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होती तो ये प्रिंट कराता है, दूसरी वाली बात। तो जैसे कि आपने देखा अब इसने मेरे पास दूसरी वाली कंडीशन प्रिंट कराई जिसमें मैंने डॉट लगाया था, इस बात का ख्याल रखिए, ये मेरा मैसेज इस योर फ्रेंड है, और ये वाला मेरा मैसेज इस Not your friend है। तो अब इससे क्योंकि हमजा जो है कंडीशन पे पूरा नहीं उठाता, मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, कंडीशन मैंने ये बनाई हुई इसके अंदर, इफ के अंदर सॉरी, जिसमें मैंने बताया कि अगर इफ फ्रेंड बराबर हो जाए बाबर के या फिर बराबर हो जाए दानियल के, ठीक है, ये दो कंडीशन मैंने लगाई हुई है, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन एंड, यानी कि यह जो ऑपरेटर लगाया हुआ है मैंने, या फिर बराबर हो जाए दानियल के, तो भाई आप ये मैसेज प्रिंट करना आना कि जो है बाबर या बाबर इज योर फ्रेंड एंड दानियल इज योर फ्रेंड, दोनों में से एक मैसेज प्रिंट करा देगा, अगर बाबर लिखता तो बाबर कराया और दानियल लिखेंगे तो दानियल कराएगा। लेकिन मान लीजिए अगर यूजर दोनों ही नाम ना लिखे और तीसरा या कोई और सा नाम लिखे, यानी कि कोई एक अलग ही नाम लिखे, तो फिर क्या मैसेज प्रिंट हो, तो ऐसी सूरत में मैंने बोला एल्स वाली कंडीशन को फिर आप बोल देना है कि इज नॉट योर फ्रेंड, यानी कि जो भी यहाँ पे नाम होगा इस फ्रेंड के अंदर, यानी जो भी नाम होगा इस फ्रेंड के अंदर, मिसाल के तौर पर भी नाम था हमजा तो इसने लिखा हमजा, अभी मैं लिखता कुछ और अली तो ये लिखता अली, अगर मैं लिखता रजा तो फिर ये लिखता रजा, रजा इज नॉट योर फ्रेंड, ठीक है, तो ये समझने वाली वाली बात थी। तो एक तरीके से हमारा इसके अंदर रिविजन हुआ है, किस बात का, एक रिविजन हमारा हुआ है यहाँ पे इफ और else का, एक रिवीजन हुआ है हमारे पास ऑपरेटर का, जो यहाँ पे अपने एक ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे एड ऑपरेटर और यहाँ पे भी ऑपरेटर लगाया, और एक और मजीद रिवीजन हुआ है हमारा बैक लिट्राल का, जिसके अंदर टेम्पलेट लिट्राल जो था हमारे पास हमने पढ़ा था, टेम्पलेट लिट्राल्स का भी रिवीजन हुआ है, जिसके अंदर अपने बैकटिक डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, यानी कि ये तीन मेन रिवीजन हुए हमारे पास इस प्रोग्राम की मदद से। तो जब भी कहते हैं प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पुरानी चीज़ें भी रिवाइज होती जाएगी, प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होता है कि जो पुराना पढ़ा होता है वो भी होता है, तो इसी से मिलते जुलते आप प्रोग्राम बना सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपकी जो स्किल होगी टाइप स्क्रिप्ट की वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रैक्टिस में बंदा सोच रहा होता है यार इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, तो जहन में आ रहा था इसको चेंज कैसे किया जाए, फिर आप सर्च करते गूगल करते यूट्यूब करते चैट जीपीटी गूगल जेमिनी बहुत सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते और फिर आपको चीज़ें मिलती है, फिर आप एक्सप्लोर कर रहे होते, तो उससे काफ़ी आपकी स्किल जो है इन्हेंस हो रही होती है, बढ़ रही होती है, फ़ायदा वह पहुँच रहा होता है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।